हे दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में लेके आया हूँ बहुत ही अच्छी खबर, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। इस वीडियो में बहुत ही अच्छी इल्म है दोस्तों। जामिया का सबसे बेस्ट जो सेंटर्स है, जिसका नाम है सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च सेंटर, मोनी रॉय हो या शाहरुख खान हो या आमिर खान की बीवी किरण राव हो या आज तक पर पढ़ने वाली हो अंजना ओम काश्यप, आज तक की जो न्यू एंकर है वो अंजना ओम काश्यप, सारे जामिया से मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च सेंटर से पढ़े हुए हैं दोस्तों। उसी का ये वीडियो है, उसी में एक वर्कशॉप हुआ है जिसमें जो अनवर साहब है, जो कि कोऑर्डिनेटर है, जो कि चीफ है एमसीआरसी का, वो कंडक्ट कर रहे हैं इस वीडियो में दोस्तों। आपको पता होगा कि देश की सबसे बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है वो जामिया में आके आजकल पार्टिसिपेट कर रही है दोस्तों। मैं आपको ए टू जेड इस वीडियो का डिटेल बताने वाला हूँ। आपको दोस्तों बहुत लोगों को पता होगा कि यूनिसेफ क्या है। यूनिसेफ क्या है दोस्तों? ये जो यूनिसेफ है वो यूनाइटेड नेशंस का एक डिपार्टमेंट है, जो जिसका पूरा फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस एजुकेशन फंड। आप देख सकते हैं इस वीडियो में आपको मैं ये विकिपीडिया का डेफिनेशन बता रहा हूँ। यूनिसेफ का ये लोगो है, इसमें लिखा हुआ है कि द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड, ओरिजिनली नॉन एज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस एमरजेंसी फंड, चिल्ड्रेंस के लिए और चिल्ड्रेंस के माँ के लिए ये फंड्स को इकट्ठा करते हैं। किस मसले में? फूड के और हेल्थ केयर के बारे में, यानी खाने पीने के लिए और जिनकी हेल्थ की प्रॉब्लम है उसके लिए फंड इकट्ठा करता है। और इनका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में, यानी अमेरिका में हेडक्वार्टर है। और ये 11 दिसंबर 1946 से, जो भी वर्ल्ड वार सेकेंड जब हुई थी 1945 में, हिटलर ने वर्ल्ड वार किया था, उसमें जितने भी मरे हुए लोग थे, जिनके बच्चे अकेले रह गए थे या जिनकी माँ अकेले रह गई थी, उनके फूड और हेल्थ केयर का जो जुगाड़ है, जो अरेंजमेंट है, ये इसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ इसका फुल फॉर्म, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो या एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो या कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन हो, रेलवे का या मेट्रो ट्रेन का, सब में ये क्वेश्चन आते हैं कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस एमरजेंसी फंड। बहुत लोगों को पता है कि एजुकेशन फंड है, एजुकेशन फंड नहीं है, ये एमरजेंसी फंड है। और पूछे जाते हैं इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है, यानी अमेरिका में है दोस्तों। इसका पर्पस क्या है? पर्पस मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हो व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का पर्पस ये है कि जो भी लोग, बच्चे या औरतें भूख से, हेल्थ से परेशान है, जो अपने आप को ट्रीटमेंट अच्छे हॉस्पिटल में नहीं कर सकते, उनके लिए ये एक फंड मुहैया करवाते हैं, उनके बच्चों को हेल्थ के लिए, बच्चों के फूड के लिए ये फंड्स कलेक्ट करते हैं और फंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक नेक काम करते हैं। सब जो दुनिया में जितने भी धर्म हैं, सारे धर्म बिलीव करते हैं गरीबों को हेल्प करने में। तो दोस्तों ये ऐसे ही एक कह सकते हैं इंस्टीट्यूट्स है या एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनिसेफ। ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर आता है। इन्होंने जामिया से कोलैबोरेट किया है। तो जामिया से कोलैबोरेट किया है इसके मतलब बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूशन है जामिया, इसलिए इन्होंने कोलैबोरेट किया है दोस्तों। इसमें देख सकते हैं जामिया पार्टनर्स विद यूनिसेफ, यानी जामिया यूनिसेफ से पार्टनर बनी है टू रेज अवेयरनेस ऑन चाइल्ड हेल्थ इश्यूज। जो बच्चों का हेल्थ का इशू है उसके बारे में अवेयरनेस को फैलाना है। तो ये अवेयरनेस कौन फैलाएगा? जामिया। तो जामिया में इंजीनियरिंग वाले फैलाएंगे या डॉक्टर वाले? नहीं दोस्तों, ना ही इंजीनियरिंग वाले ना ही डॉक्टर वाले इस इंफॉर्मेशन को फैला सकते हैं। जो टीवी और वीडियोस या जो फिल्म से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, वही लोग इस जो इंफॉर्मेशन है इसको फैला सकते हैं। तो जामिया का जो सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है एमसीआरसी, जिसका नाम है मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च सेंटर, उन्होंने चूज किया है इसी को। और इन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था, जिस वर्कशॉप में देश के 40 आरजे, आरजे मींस रेडियो जॉकी, इस प्रोग्राम को अटेंड किए और ऑल इंडिया रेडियो से
प्राइवेट एफएम्स जैसे रेडियो मिर्ची, रेड एफएम है, उससे लोग आए हुए थे, या कम्युनिटी रेडियोज स्टेशंस है फ्रॉम पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, असम, और जितने भी एकेडमिक स्टाफ है जामिया का या जो भी हायर एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं वो लोग, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी से लोग आए हुए थे इस वर्कशॉप को अटेंड करने, एकेडमिया फ्रॉम इग्नू से भी लोग आए हुए थे, और आईआईएम कलकत्ता यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता से भी लोग आए हुए थे, जो कि देश के नंबर वन एमबीए इंस्टीट्यूट है। ऑफिशियल्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी नेता लोग भी आए थे, मिनिस्टर भी आए थे, किसके, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, और मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्ट्री भी आए हुए थे, उनके ऑफिशियल्स भी आए हुए थे, और ऑफिशियल फ्रॉम यूनिसेफ अमेरिका से भी लोग आए हुए थे इस वर्कशॉप को अटेंड करने। दोस्तों, जामिया जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है देश में, लेकिन जामिया को क्यों चूज किया है, और जामिया में जो डिपार्टमेंट है एजे के मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च सेंटर, इसको चूज किया है, यानी जामिया का जो ये फैकल्टी है ये वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज इन इंडिया है, जिसके वजह से जामिया का नाम रोशन होता है। दोस्तों, किसी की टीम में एक अच्छा प्लेयर होता है तो टीम का भी नाम रोशन होता है। इसी तरह जामिया में मास कम्युनिकेशन और कॉमर्स और सोशियोलॉजी इतने अच्छा कोर्स है जिससे जामिया का नाम रोशन होता है, और ये जो जितने भी कोर्सेज हैं जामिया में वो सारे कोर्सेज में वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज है, मास कम्युनिकेशन, कॉमर्स एंड सोशियोलॉजी और सोसाइटी के जो भी रिलेटेड कोर्सेज है जामिया में बहुत ही अच्छा कोर्स है। दोस्तों, ये वर्कशॉप हाईलाइट किया गया था किसके मसले पे, निमोनिया, डायरिया, एनीमिया, और जो भी ब्रेस्ट फीडिंग और जो भी प्रॉब्लम्स छोटे छोटे गांव में होते हैं और लोग मिथ पे विश्वास करते हैं, यानी जो गांव के लोग हैं जो चमत्कार पे विश्वास करते हैं, उन लोगों के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम है, जो कि जामिया इस टाइप के प्रोग्राम और भी आने वाले टाइम में कंडक्ट करेगी, जिसमें से नेता लोग भी आएंगे, एमएलए एमपी भी आएंगे, इसके अलावा जो भी देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वहाँ के फैकल्टीज भी आएंगे, और जामिया मिलिया इस्लामिया इस प्रोग्राम को कंडक्ट करेगी, और जामिया का मास कम्युनिकेशन है जो कि इंफॉर्मेशन को देश में अच्छे से फैला सकती है। इसमें मेन मिथ ये था कि राइट और रॉन्ग क्या है, मतलब सही गलत क्या तरीका है कोई भी बीमारी को ठीक करने का, और साइंस एंड मैजिक, साइंस के तरह से कोई भी इलाज हो तो अच्छा होता है, सिस्टमेटिक होता है। बहुत लोग मैजिक पे विश्वास करते हैं, जैसे जादू, जैसे हाथ में मिट्टी से जलेबी बना देना और किसी का गर्दन को काट के पैरों में लगा देना, ये मैजिक पे विश्वास करते हैं, जो कि नहीं होता, मैं भी नहीं मानता हूँ। तो ये जो मैजिक और साइंस का जो मिथ है, यानी जो लोगों का अंधविश्वास है, उसको दूर करना है। बहुत सारे चीज़ें, निमोनिया हो जाती है, डायरिया हो जाती है, एनीमिया हो जाती है, लोग मिथ पे यानी चमत्कार पे विश्वास करते हैं, जिससे बच्चे की मौत हो जाती है या बच्चे की माँ की मौत हो जाती है। इसी को बचाने के लिए यूनिसेफ ने ये प्रोग्राम जामिया को सौंपा है कि जामिया इस काम को बहुत अच्छे से फैला सकती है, और देश के कोने कोने में जामिया का जो आवाज़ है, जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, जो जामिया का एमसीआरसी का, वो अनोखा है, इसलिए जामिया ने उसको चूज़ किया है और इसको चूज़ करके परफॉर्म भी किया है, इसीलिए यूनिसेफ ने इसको चूज़ किया है एज अ पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप विद द यूनिसेफ, यानी यूनिसेफ का जामिया बन गई है पार्टनर। जामिया कंडक्ट सिमिलर वर्कशॉप, ऐसा ही वर्कशॉप और भी करेगी इन टैंडम विद द अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी टू प्रमोट रिसर्च ऑन द टॉपिक एंड ऑल्सो सेंसिटाइज द यूथ ऑन द इशू। जो भी देश के युवा हैं उनको सेंसिटाइज करना है कि भाई सही और गलत में आपको फर्क पता चल जाए, और चमत्कार में और साइंस में फर्क पता चले, और ट्रूथ और मीथ में भी आपको फर्क पता चले कि सच्चाई क्या है और अंधविश्वास क्या है। पुअर अंडरस्टैंडिंग है गांवों में, आपको इस वीडियो में देख सकते हैं, ऑफ द कॉजेज ऑफ एंड सिम्टम्स, यानी कारण और जो लक्षण है उसके बारे में लोगों का गलत अवधारणा है कि डायन ने इसको कर दिया तो इसको उल्टी हो गया, डायन ने ऐसे कर दिया तो इसको ये बीमारी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर साइंस से आप सिस्टमेटिक चले तो सारे बीमारियों का इलाज हो सकता है। पुराने ज़माने में जो बच्चे पैदा होते थे 50% से ज़्यादा मर जाते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, सारे बच्चे
मतलब जीवित हो जाते हैं, क्योंकि साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि बहुत सारे बच्चों को जो मरने वाले उनको बचा लिया जाता है। वैसे ही पुराने ज़माने में बहुत ऐसे मिथोलॉजी थे जो अंधविश्वास थे, धीरे धीरे दूर होता गया है। कोई कितना भी टेक्नोलॉजी अपना ले, लेकिन बीमारी होता है, एक्सीडेंट होता है, तो अपोलो फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल ही लोग भागते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, सब हॉस्पिटल में ही भागते हैं। बाकी जीरा सरसों नींबू कोई काम नहीं करता है जब एक्सीडेंट होता है। दोस्तों इसी तरह एक खिलाड़ी थे संदीप सिंह, उनका लकवा मार दिया था कमर के नीचे से, लेकिन उन्होंने यूरोप में रह के बहुत अच्छे से एक्सरसाइज किया, जो कि बिल्कुल आजकल फिट है और वो खेलने लायक बने हैं। फौज में बहुत सारे लोग रह रहे थे इराक में, अमेरिका से उनका पैर कट गया था, लेकिन अमेरिका की टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि उनका पैर कटे हुए को भी डुप्लीकेट पैर लगा दिया और वो फौजी लोग दौड़ने लगे। दोस्तों इसी इशू को यूनिसेफ चाहती है कि लोगों के पास पहुंचे इन्फॉर्मेशन कि आप साइंस से चलेंगे तो बहुत सारी दुनिया में जो प्रॉब्लम्स है उसको प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। जैसे पोलियो बहुत लोगों को बच्चों को मार देती थी, लेकिन जब पल्स पोलियो का अभियान चला, अमिताभ बच्चन ने हर जगह जा जा के उन्होंने प्रमोट किया, एडवर्टाइज़ किया, रेडियो चैनल पे एडवर्टीजमेंट आया, हर जगह पोस्टर लगा, टेलीविज़न पे उनके एड्स चले, उसके बाद ये जो पोलियो है बहुत हद तक कम हो गया है। दोस्तों यही अवेयरनेस प्रोग्राम जामिया भी पूरे देशवासियों के साथ शेयर करना चाहती है। तो बहुत गर्व की बात है जो भी जामिया से रिलेटेड है या देशवासी हैं कि जामिया जैसा इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को चूज़ की है यूनिसेफ। प्राइवेट बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, बिट्स पिलानी है, आईएमटी यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, शिवनादर यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये सारी यूनिवर्सिटी को खारिज करके यूनिसेफ ने जामिया को चूज़ किया है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो मैं हमेशा आप तक फ्री में पहुंचाने का काम करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही का फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है, एक दूसरे से हम सीखते रहेंगे, आप हमें सिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।